दोस्तों अभी हम हैं सारनाथ वाराणसी में। सामने देख सकते हैं यह है चौखंडी स्तूप, भारतीय पुरातत्व संरक्षण प्राचीन बौद्ध स्थल चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी। ये बोर्ड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्थल है और आपको दिखा दें ये सारनाथ एरिया बिल्कुल कायाकल्प होने वाला है। ये देख सकते हैं रोड और नालियां इत्यादि। दोस्तों इस स्तूप में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। टिकट का चार्ज है 25 रुपया। यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो कुछ कंसेशन है, आप ऑनलाइन यहां पर आकर के करके देखिए कितना कंसेशन है। बाकी विश्व बैंक से सहायतित पूरे सारनाथ को कायाकल्पित किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको सारनाथ में क्या क्या और चीज़ें हैं, प्रसिद्ध चीज़ें, टूरिस्ट स्थल, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। आज आपको वर्चुअल विजिट कराने वाले हैं सारनाथ का, यानी आभासीय विजिट कराने वाले हैं सारनाथ एरिया का। सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध जी द्वारा अपना पहला प्रवचन यहीं दिया गया था, यहीं से आनंद कानन का नाम प्रसिद्ध हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारनाथ का पूरा दृश्य। दोस्तों आप देख सकते हैं जो पेड़ों पर लाइटिंग व्यवस्था है ये किया गया था G20 के मद्देनज़र, क्योंकि G20 का जो हमारे मेहमान थे, डेलीगेट थे, वो सारनाथ भी आए थे। आपको बता दें ये देखिए कितना सुंदर पाथवे बनाया जा रहा है यहाँ पर। विश्व बैंक सहायतित धनराशि का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारनाथ में किया जा रहा है। रोड देख सकते हैं, ये रोड का चौड़ीकरण हुआ है। सामने किनारे देख सकते हैं आप, जो है ड्रेनेज बनाए जा रहे हैं, पाथवे बनाए जा रहे हैं, और इस साइड भी देख सकते हैं सेम ऐसा ही काम किया जा रहा है। एक और आपको जानकारी दे दें, सारनाथ इससे पहले वाराणसी का सबसे ज़्यादा टूरिस्टों को इकट्ठा करने वाला स्थान था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया है, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के स्थान वहाँ पर ज़्यादा उपस्थित होते हैं, और माँ गंगा आरती देखने के लिए जो है 80 घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक के घाटों का नज़ारा देखने के लिए वहाँ हो गया है। अब परसेंटेज ज़्यादातर टूरिस्टों का उधर चला गया। ये देख सकते हैं ईंट गिरे हुए हैं ये पाथवे बनाने के लिए। इधर भी देख सकते हैं ये काम लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इतने ईंट लगाए गए हैं पाथवे के लिए। आपको बता दें जो विश्व बैंक की सहायता की गई है वो धनराशि है 72 करोड़ रुपये की। तो 72 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा धनराशि होती है, तो आप समझिए 72 करोड़ रुपए में बन क्या रहा है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है कि बौद्धिस्ट को इकट्ठा करने का यह स्थान बनाया जा रहा है। उसमें ये पैसा लगाया जा रहा है खूबसूरती को लेकर के, आप जैसे लाइट व्यवस्था और पाथवे, ड्रेनेज, रोड, रंगाई पुताई, ये सारी चीज़ें आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। ये है सामने सारनाथ का म्यूजियम, ये एक बड़ा प्लेस है सारनाथ म्यूजियम। दोस्तों ये जो आप सामने देख सकते हैं म्यूजियम, म्यूजियम में जाने का शुल्क मात्र और मात्र 5 रुपया है। और आपको बता दें एक विशेष चीज़ सारनाथ का बता दें कि यहाँ जो आप अशोक चक्र देखते हैं वो सारनाथ से ही लिया गया है। अशोक चिन्ह आपको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो काफ़ी गर्व की बात है वाराणसी के लिए कि अशोक चिन्ह जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो वाराणसी से लिया गया है, वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। ये इधर काम चल रहा है तो रास्ता बंद है। ये सामने देख सकते हैं काम का दृश्य। दोस्तों देख सकते हैं काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है। ये है उत्तर प्रदेश प्रो पुअर पैटर्न विकास परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त अवधि के दौरान किसी प्रकार के वाहन, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर आदि का परिचालन निषेध है। केवल पैदल पथ की अनुमति है। असुविधा के लिए खेद है। आदेशानुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण को थोड़ा सा काम भी दिखा दें। ये देख सकते हैं काम का नज़ारा। G20 के समय भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा था, अभी भी ये काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। पूरे रोड पर, पूरे सारनाथ
रोड पर ये पत्थर का रोड निर्माण किया जाएगा। ये बीच में ड्रेनेज देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं और सारनाथ का पूरा दृश्य आपको। दोस्तों ये सामने देख सकते हैं, ये जिराफ यहाँ पर लगाया गया है। ये G20 के समय की तैयारियाँ, बेहतर तैयारियाँ यहाँ पर, ये देख सकते हैं G20 का। ये सामने हैं, यहाँ पर धम्म है, यहाँ पर भी जाने के लिए टिकट लगता है आपका। जैसे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। अभी शुल्क की बात करें तो आपको शुल्क दिखा देते हैं। ये है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गाइड का शुल्क क्या है, ये दे सकते हैं। इसी के बगल में G20 का बेहतरीन लोगो लाइटिंग सहित। दोस्तों अभी देख सकते हैं ये सामने है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ वाराणसी, और यहाँ पर आई लव वाराणसी का ये बैनर। दोस्तों आप यदि सारनाथ में आते हैं एज ए टूरिस्ट और या घूमने के पर्पज़ से, तो आप इन सब दुकानों पर अपने आवश्यकता अनुसार आवश्यक सामग्री ले सकते हैं। देख सकते हैं ये खूबसूरत खूबसूरत सामानों की बिक्री यहाँ पे की जा रही है। ये गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा, इधर भी लगातार दुकानें लगी हुई हैं। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। लाइटिंग व्यवस्था देख सकते हैं, पेड़ों में भी लाइटिंग व्यवस्था। दोस्तों ये सामने जो रास्ता दिख रहा है ये डियर पार्क के लिए रास्ता दिख रहा है। अभी किसी भी वाहन को जाने के लिए निषेध कर दिया गया। यदि आप पैदल आ रहे हैं तो आसानी से आप जा सकते हैं, साइड के पाथवे से आसानी से डियर पार्क की तरफ आप जा सकते हैं। ये कुनवा आएगा ना। दोस्तों जानकारी के तौर पर एक और बात आपको बता दें, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रिंग रोड है, और सरकार का प्रस्ताव भी है कि यहाँ से रिंग रोड तक का चौड़ीकरण करना है, 4 लेन को बनाना है। अब कब बनता है ये देखने के लिए है। अब ये बोर्ड देख सकते हैं, मुनारी से बाबतपुर रोड यहाँ से जाने के लिए, ये पिपस्याना केंद्र खरगीपुर जाने के लिए रास्ता सामने है। पूरा तात्विक संग्रहालय आप देख सकते हैं राइट साइड है, पर्यटन सूचना केंद्र आपको लेफ्ट साइड जाने के लिए है। आप पर्यटन है तो किसी प्रकार की सूचना चाहिए तो वो केंद्र बना हुआ है यहाँ से लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव। ये देख सकते हैं पुलिस आयुक्त सारनाथ, ये सहायता केंद्र है साइबर क्राइम और सारनाथ पुलिस का, आपके लिए सहायता के लिए यहाँ पर बनाया गया है। देखो दोस्तों ये सारनाथ में गौतम बुद्ध जी की ये प्रतिमा, आपको बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही होगी, इसकी ऊंचाई है 80 फीट। वाराणसी में पहला इतनी ऊंची प्रतिमा आपको दिखाई पड़ जाएगा।